अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खुलाफा, एक खूबसूरत और ग्रीन सिटी, दुनिया के चंद शहरों में शुमार होता है जो एक कामयाब मनसूबाबंदी के तहत बसाए गए। इस शहर को यहाँ क्यों बसाया गया, इसके पीछे कई दिलचस्प कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने साथ रहना है और पूरी वीडियो देखनी है। पाकिस्तान बनने के बाद फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल खुलाफा नामजद कर दिया गया। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था, बल्कि अब भी है, और समुद्र किनारे होने की वजह से पाकिस्तान की बंदरगाह भी। 1958 में जनरल अयूब खान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुंतहिब होने के बाद महसूस किया जाने लगा कि यहाँ कराची में दारुल खुलाफा ना तो महफूज है और ना ही यहाँ के आलात ऐसे हैं कि हुकूमती मामलात को बेहतर तरीके से निभाया जा सके। चूंकि GHQ रावलपिंडी में है तो दारुल खुलाफा भी वहीं कहीं आसपास होना चाहिए। हुकूमत ने इस वक्त सोच लिया था कि बंदरगाही शहर को आबो हवा, ट्रेडिशंस और मौजूदा इमारतों के नुक्ताए नज़र से जो तादाद में या मेयार के मुताबिक नहीं थी और जिनको एक बड़े सेटअप में तब्दील नहीं किया जा सकता था, जो दारुलहुकूमत के लिए दरकार है, ये एक काबिले इत्मीनान हल नहीं है। अयूब खान ने 1958 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यहिया खान की सरबराई में एक खसूसी कमीशन कायम किया और इसके साथ ही जनरल अयूब खान ने दारुल हुकूमत के मकाम के तयन के लिए डॉक्टर डोकियाडिस को मशीर नामजद किया। उन्होंने दो इलाकों की तजवीज़ दी, एक कराची के आसपास कहीं कराची से थोड़ा सा दूर और दूसरा रावलपिंडी के शमाल में। 1959 में अयूब खान ने पोटवार प्लेटो यानी मौजूदा लोकेशन के हक में फैसला दे दिया कि यहीं दारुलहुकूमत बनना चाहिए। डोकियाडिस एसोसिएट्स को बाद में नए दारुलहुकूमत के डिज़ाइन का काम भी सौंप दिया गया। 24 फरवरी 1960 को इस नए शहर का नाम इस्लामाबाद यानी इस्लाम का शहर रखा गया। इस शहर का नाम किसने तजवीज़ किया, ये हम अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। 24 मई 1960 शकरपड़िया के मकाम पर कबीना के एक इजलास में इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम सर अंजाम देने के लिए फेडरल कैपिटल कमीशन से जिम्मेदारियां संभाल ली। 14 अगस्त 1967 को बकायदा तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान का नया दारुल खुलाफा बन गया। यूनानी आर्किटेक्ट डोकियाडिस ने पहाड़ों, घाटियों, नदी नालों के आसपास खुली और हवादार जगहों पर मुश्तमिल मनसूबा बनाया। इसका मकसद शहरी ज़रीफ़ाम का इस्तेमाल करना था जो शहर को फितरत से मरबूत रखे। शहर की मनसूबाबंदी के लिए चार बड़ी शहरों का रब्त और एक बड़ा स्क्वायर एरिया तश्कील दिया गया, जिसको इंतजामिया, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, रहायशी इलाकों, एजुकेशन सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, देहात और ग्रीन एरिया समेत 8 इलाकों में तकसीम किया गया। रवायती इस्लामी फन तमीर को जदीद नमूनों और तकाजों से हमांग करने की कोशिश के साथ 1961 में तामीर का आगाज हुआ। शहर की मनसूबाबंदी और फन तामीर में आलमी शोहरत याफ्ता नाम जैसे कॉन्स्टेंटिनो डोकियाडिस, एडवर्ड डोरेल स्टोन और जियो पोंटी इस शहर की तमीर और तरक्की से वाबस्ता रहे। ये एक कम्पैक्ट शहर है। तामीर का दूसरा मरहला 1966 में पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान हाउस, ऐवान सदर, कौमी असम्बली की इमारत, ग्रैंड नेशनल मस्जिद और सरकारी अमले के लिए मकानात की तकमील के साथ ख़त्म हुआ। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी 1965 में कायम हुई थी। 1974 में पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी बनी, जो बाद में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम तब्दील कर दी गई थी। यहाँ कैपिटल मुंतकिल होने से पहले सतह मरतफा पोटवार के मकामी लोगों के छोटे छोटे गांव थे और इनकी जरी ज़मीनें, जिनमें से कुछ गांव खरीद कर मस्मार कर दिए गए। हम आपको दिखाते हैं कि मौजूदा पुरशकुआ इमारतें कैसे तमीर हुई और इनकी तामीर से पहले इस्लामाबाद कैसा दिखता था। ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पाक सेक्रेटेरिएट, रावल डैम, हॉलीडे इन होटल जो बाद में मैरियट होटल में तब्दील हो गया, शहरजाद होटल जो अब फॉरन ऑफिस है, आपारा मार्केट, इस्लामाबाद में पहली पैदा होने वाली बच्ची का नाम आपारा था, उसी नाम पर यह मार्केट बनी, फायर ब्रिगेड,
ADBP बिल्डिंग जो अब जरी तरक्याती बैंक है, जना एवेन्यू, जना स्टेडियम, शक्करपड़ियां जहां से इस्लामाबाद का जायजा लिया जाता रहा। यहां अयूब खान इस्लामाबाद का मास्टर प्लान देख रहे हैं, इसी मौजू पर मीटिंग हो रही है जनरल रिहैया लोकेशन का जायजा लेते हुए। फैसल मस्जिद सऊदी फरमारवा शाह फैसल के नाम पर है। शाह फैसल ने ही इस मस्जिद की तामीर का इंदिया अपने 1966 के दौरे पाकिस्तान के मौका पर दिया था। मस्जिद के लिए ग्रांट भी इन्होंने फराहम की। 1969 में 17 मुल्कों के आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन के मुकाबला में हिस्सा लिया। 43 प्रपोजल्स में से तुर्क आर्किटेक्ट विदाद दालू के का डिजाइन सेलेक्ट हुआ। मस्जिद का संगे बुनियाद अक्टूबर 1976 में रखा गया और तामीर शुरू हुई। यूं तो मस्जिद 1986 में मुकम्मल हो गई थी, लेकिन पहली नमाज 18 जून 1988 को पढ़ी गई। दारुल खुलाफा बराह रास्त कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि 1963 में पहले रावलपिंडी और फिर बुनियादी तामीरात और डेवलपमेंट के बाद 1966 में इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ। तो दोस्तों, आप जानना चाह रहे होंगे कि इस्लामाबाद का नाम किसने रखा। हम आपको बताते हैं, मोहम्मद इस्माइल ज़बी की तारीख की किताब के मुताबिक आरवाला के एक स्कूल टीचर अब्दुर्रहमान अमृतसरी ने इस्लामाबाद का नाम तजवीज़ किया था।